बुंदेलखंड के दो दिवसीय दौरे के आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ललितपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पुलिस लाइन स्थित मनोरंजन कक्ष में जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। तो उसके बाद निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण किया। जल जीवन मिशन योजना के तहत निर्माण कार्य चल रहा था। परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद मुरारी बापू के प्रवचन में शामिल भी हुए। साम्राज्य का मतलब भगवान राम के भव्य मंदिर का मतलब भगवान राम के अनुरूप राष्ट्र का मंदिर, जहां किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, जहां किसी के सामने अभाव ना हो, जहां किसी के सामने किसी भी प्रकार की कोई भी बुराई के लिए कोई स्थान न हो, ऐसी आदर्श व्यवस्था शासन केवल सहयोग कर सकता है, लेकिन समाज जब उसकी अगुवाई करेगा तो ऐसी आदर्श व्यवस्था भी भारत के अंदर वर्तमान में बन गई है। भाइयों बहनों, गरीबों के लिए मकान बन जाना, गरीबों के लिए स्वास्थ्य की सुविधाओं का हो जाना, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और फ्री में हर गरीब के लिए राशन की व्यवस्था भी तो सरकार के द्वारा की गई है। यही तो राम राज्य है। तो साथ ही आपको बताते चलें कि अपने दो दिवसीय बुंदेलखंड दौरे के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार शाम को झांसी पहुंचे हैं, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उसके बाद सीएम ने मंडल के अधिकारियों के साथ विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने ललितपुर रेप कांड को लेकर भी अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। तो उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी घटनाएं कानून व्यवस्था के नाम पर कलंक है, जिससे सरकार की छवि खराब होती है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी भी दी कि वो हालात को सुधार लें या फिर बड़ी कार्यवाही के लिए तैयार हो जाएं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि अधिकारी कार्यवाही करने में सुस्ती दिखाते हैं, ऐसे लापरवाह अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। समीक्षा बैठक के बाद सीएम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने नवनिर्मित जिमनेशियम हॉल का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों से बातचीत भी की।